जय हिंद दोस्तों, मैं दीपांशु। आज की इस वीडियो में हम लोग सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे भाई? सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो हम लोगों के 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ, और 22, 23 आपको हर एग्ज़ाम में मिलता ही मिलता है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप केवल 5 मिनट मेरे पास वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा मैं रटा दूंगा, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल एकदम सरल भाषा में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। सबसे पहले हमको इनका जन्म लिखना है। इनका जन्म कब हुआ था भाई? इनका जन्म हुआ था हम लोगों का 1478 ईस्वी में। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में, ठीक है ना। आपका ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। इसके बाद आता है इनका जन्म स्थान। ये कहाँ इनका जन्म कहाँ हुआ था वो स्थान लिखना है। हम लोग लिख देंगे यहाँ पर रौनकता नामक ग्राम में। क्या लिखेंगे भाई? रौनकता नामक ग्राम में, ठीक है। यहाँ से क्या आप कितने पॉइंट क्लियर हो गए भाई? यहाँ से आप लोगों के 2 पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। हमको इसमें तीसरा क्या आप लिखना है? पिताजी का नाम। उनके पिता का क्या नाम था भाई? आपको पता है उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम आप लोग बताइए। उनके पिता का नाम था रामदास। हम लोग लिख दें पंडित रामदास, ठीक है ना। क्या हो गया? पंडित रामदास। इसके बाद चौथा पॉइंट है गुरु का नाम। उनके गुरु का नाम क्या था भाई? आचार्य वल्लभाचार्य जी। हम लोग गुरु का नाम लिख दें यहाँ पर आचार्य वल्लभाचार्य जी, ठीक है ना। यह क्या हो गया भाई? इनका चौथा पॉइंट हो गया गुरु का नाम। देखिए, आपको मैं इतना बता रहा हूँ, इसके बाद आप लोग भी बहुत ही आसानी से इसको पूरा बना लेंगे, आप पूरा जीवन परिचय लिख लेंगे। चलो आप लोग इतना समझ लीजिए, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है ना। इसके बाद आता है उनका निवास स्थान। उनका निवास स्थान क्या है भाई? वो एक मंदिर में रहते थे। किस में रहते थे भाई? एक मंदिर में। उसका नाम था श्रीनाथ मंदिर। क्या था? श्रीनाथ मंदिर, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। उसके बाद भक्ति, वो किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो वो हमारे किसके थे भाई? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। आपको पता होगा किसके थे? कृष्ण भक्ति शाखा। वह किसके कवि थे भाई? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है मृत्यु स्थान। कहने का मतलब है उनकी मृत्यु कहाँ हुई? उनकी मृत्यु थी परसौली में। किसमें हुई थी भाई? परसौली। उनकी मृत्यु हुई थी परसौली में। उसके बाद उनकी मृत्यु किस सन में हुई थी? हमको क्या लिखना है? उनकी मृत्यु किस सन में हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी भाई 1583 ईस्वी में। कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को? उसके बाद हम इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं। उनकी काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं भाई? उनकी 3 मोस्ट काव्य कृतियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है सूरसागर। कौन सी है भाई? सूरसागर। दूसरी है सूरसारावली। दूसरी कौन सी है भाई? सूरसारावली। और तीसरी हम लोगों की इसमें कौन सी होगी? साहित्य लहरी। कौन सी हो जाएगी? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई आप लोग? अब देखिए, हम लोगों को ये क्या हो गया? एक संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। इसके बाद हम लोग इसको देख लें कैसे याद करना है। देखो, नाम क्या था भाई? सूरदास। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रौनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास जी था, तथा इनके गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य था। इनका मूल निवास, या हम लोग कहते हैं जहाँ वो रहते थे, श्रीनाथ मंदिर। और ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कहाँ के हैं भाई? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। इन्होंने अपना, कहते हैं हम लोग कि इनकी मृत्यु परसौली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई थी। ये बात क्लियर हो गई? उसके बाद हम लोग ये लिखते हैं इसकी रचनाएं, जिसको हम लोग कहते हैं काव्य कृतियाँ।
ये आप लोगों को मैं बता दूं पर्सनल एक नंबर देके जाती है। ये तीनों रचनाएं आप लोग जहां लिखेंगे आपको एक मार्क्स ये देंगे और बाकी का आपको ये पूरा मार्क्स देगा। तो हम लोग कहते हैं इनकी प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं, सुरसागर, सुरसालावली और तीसरी साहित्य लहरी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे जीवन पर्ची आप लोगों को करवा रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ आपको जीवन पर्ची आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद अगली वीडियो में लोग जितने भी जीवन पर्ची हैं इंपॉर्टेंट तीन करवाऊंगा, तीन के तीनों आप लोगों को, तीन में से दो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी करवा रहा हूँ जिसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम लोग चलते हैं अगले वीडियो में, देखेंगे कि हम लोगों को आगे क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।